हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मेरी पूजा हो रही है क्योंकि टाइम तो हो चुका है, 10 बज चुके हैं, 10:30 का टाइम। ठंड का मौसम है और स्कूल की भी छुट्टी हो रखी है बच्चों की, तो फिर काम मतलब लेट ही होता रहता है क्योंकि सुबह ठंड इतना है कि हम लोगों के यहाँ तो 6-7 दिन हो गए तो धूप वगैरह कुछ नहीं निकल रहा है, तो सुबह कब शाम दोपहर सब एक जैसा ही पूरा दिन रहता है। तो बस इसीलिए, और अभी बस पूजा करने के बाद मैं तुलसी में जल चढ़ा कर आऊँगी और उसके बाद मुझे खाना बनाना है क्योंकि सुबह चाय नाश्ता तो हो गया है पर अभी दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। तो फ्राई पैन में है ना वो चाय मेरी बन रही थी, तो बस मैं चाय पी लूँगी और उसके बाद मतलब चाय एक बार पहले पी चुकी हूँ और नहाने के बाद फिर मन कर रहा था तो, और ये मैं रख दूँगी बनने के लिए इस पर। चावल तो मेरे चावल बन जाएंगे और दोपहर के खाने में हम लोगों के यहाँ चावल थोड़ा बहुत ज़रूर बनाते हैं। तो अभी मैं रोटियाँ सेक रही थी क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। और इन दिनों में क्या है कि मौसम है ठंडा तो जो खाना है तो वो गर्म ही अच्छा लगता है क्योंकि खाना भी बहुत जल्दी ठंडा ही हो जाता है। तो बस मैं सेकती जा रही हूँ रोटियाँ और ये लोग खाना खा रहे हैं तो, और उसके बाद फिर क्या है ये लोग खा लेते हैं तो मैं भी गर्म ही बैठकर खाना मैं भी खा लेती हूँ। और जैसे ना चूल्हे वगैरह में बनाओ तो उसके पास बैठकर खाओ तो आग की सेक भी लगती रहती है, पर हम लोगों के यहाँ पे अभी ना चूल्हा वगैरह ऐसा कुछ आग जलाने का भी कोई सिस्टम नहीं है। तो बस तो ये मटर थे तो मैं बस उसी के दाने निकाल के रख दूँगी क्योंकि क्या है मटर वगैरह जैसे है ना उसमें टाइम लगता है तो उनको मैं जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है दिन में काम करने के बाद तो फिर मैं ऐसा ही काम कर लेती हूँ। जैसे मेथी वगैरह होती है तो काट के रख लेती हूँ, मटर के दाने वगैरह निकालना क्योंकि सुबह जब मतलब सुबह क्या जब भी बनाने चलो तो फिर टाइम की बचत हो जाती है, तो फ्री टाइम में मैं यही काम कर लेती हूँ अपना। और इन दिनों में मटर भी काफ़ी अच्छी आ रही है, दाने एकदम भरे भरे से आ रहे हैं और मतलब खाने में भी अच्छी लगती है। तो जैसे मटर को फ्राई करके या सब्जी वगैरह या मटर के पराठे वगैरह कुछ भी बना के खाओ तो खाने में भी अच्छी लगती है। इन दिनों में तो काफ़ी अच्छी मटर आ रही है और मेरे यहाँ तकरीबन रोज़ मतलब दूसरे तीसरे दिन 2-2.5 किलो मटर आती ही रहती है क्योंकि हम लोग ना मटर बहुत ज़्यादा पोहा मटर के पराठे वगैरह या फिर खिचड़ी वगैरह मटर की डालकर बनाते ही रहते हैं। इसलिए क्योंकि ये जब ये इन दिनों में टेस्टी लगती है तो कितना भी खा लो फिर दाने पकने लगते हैं तो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो बस वही मैं मटर छील रही थी और बच्चों से कुछ बातें भी करती जा रही थी। और काफ़ी सारे दाने निकल गए हैं तो मैं छिकल को उठा के और थैली में बांध कर बाहर डस्टबिन में डाल दूँगी, इधर आसपास गाय नहीं आती है जिनको मैं डाल दूँ। तो बस और मेरी मटर भी छिल गई।
और अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो बस शाम का ही काम चल रहा है मेरा।